हमेशा की तरह आपकी दोस्त रंजीत कौर एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है आपके अपने प्रोग्राम नई उमंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कुछ अहम पहलुओं से रिलेटेड। तो जी, वैसे ही आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर इंसान में पाया जाता है। तो जी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि वो जो हमारे सब में पाई जाती है। जी हाँ, एक वर्ड है, दैट इज खुदगर्ज। खुदगर्ज, जी हाँ बिल्कुल, खुदगर्ज किसे कहते हैं? आखिर खुदगर्ज होता क्या है? क्या वो एक हैवान है या फिर वो ऐसी चीज है जो हर एक इंसान में पाई जाती है? अगर मैं बताऊं तो भाई, खुदगर्ज हर एक इंसान होता है, चाहे वो एक मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो कोई भी है, हर एक इंसान खुदगर्ज होता है। अब वो छोटी छोटी चीजों में बिना अपनी खुदगर्जी ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं कि अपने घर में तो शेर सभी होते हैं, और अगर शेर को कुछ दिन तक भूखा छोड़ा जाए ना, तो वो अपने मालिक को ही खाने को पड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि आप कितना भी किसी के साथ कर लो, वो आप में कोई ना कोई तो खुदगर्जी निकाल ही लेगा। खुदगर्जी का मेन मतलब ये है कि भाई, सब आपसे मतलब निकालने के लिए ही बातचीत करते हैं, वो चाहे आपके दोस्त, वो चाहे कोई भी आपका रिश्तेदार है। जी हाँ, आपको लगता है कि आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, वो आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं, आप जिनके साथ रहते हैं ना, वो आपके पीठ पीछे आपका जरूर कोई ना कोई ऐसी मोटिव से रिलेटेड बात करता है जिससे उसे खुदगर्ज कहा ही जा सकता है। तो अगर आज हम यूथ की बात करें ना, तो हमारा आज का यूथ भी खुदगर्ज है। अपने पेरेंट्स से कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन जहाँ किसी चीज की डिमांड होगी ना, या सोच लो किसी को पैसों की जरूरत होगी, तो याद आएगी मम्मी, याद आएंगे पापा, याद आएंगे रिश्तेदार। वैसे पीठ पीछे कभी भी किसी ने नहीं पूछना, मम्मा आप ठीक हो, पापा आपको किसी दवाई की जरूरत तो नहीं है ना? इस चीज के लिए तो कोई पहले आता ही नहीं है ना। सबसे पहले आएंगे अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं ना, वो भी आपसे सिर्फ नाम मात्र ही बातचीत करते हैं। कोई ऐसा होगा बंदा जिसमें खुदगर्जी नहीं होगी, लेकिन वो बंदे बिल्कुल ठीक होते हैं। खुदगर्ज होना भी नहीं चाहिए भाई, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जो आपके ऊपर इतने डिपेंड हैं, जो आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो आप उनके साथ खुदगर्जी जैसा रिश्ता रखोगे? दैट इज नॉट अ गुड थिंग ना। तो जी, बात है खुदगर्जी की भाई। अपना तो एक ही सिंपल सा फंड है, जिसके साथ बात करनी है दिल से बात करो, जिसके साथ रिश्ता निभाना है दिल से निभाओ, भाई किसी से क्या लेना देना है ना भी। तो खुदगर्जी से ना खुद को दूर ही रखो, आपको दुनिया बहुत प्यार करेगी। इसी के साथ हम भी यही विश करते हैं कि आपका प्यार जो हमारे साथ बना हुआ है, वो हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। लेकिन अगर आप भी खुदगर्जी से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, या फिर आपको भी ऐसा कभी फील हुआ है कि आपके अपने ने ही आपके साथ कोई चाल चल रही है, जी हाँ, जिसमें उसकी खुदगर्जी थी, तो आप भी हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है नई उमंग। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, आप अपना रखिए ख्याल, और जी ख्याल रखते रखते साथ में हमारा भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए ना सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारी वीडियोस को शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय, अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए यस टीवी। बाय बाय, टेक केयर।